सेवानिवृत्त पेंशनरों के सम्मान में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिमला में भी अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन ठाकुर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ ने कई वर्षों तक सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 1982 को पेंशनर समाज के पक्ष में फैसला दिया था। उसी के उपलक्ष में सारे भारतवर्ष में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। मैं आप लोगों को आज के दिन सब मीडिया वाले साथियों का वेलकम करता हूं। आपको पता है कि आज 17 दिसंबर का दिन पेंशनर डे करके मनाया जाता है। आज के ही दिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने डीएस नकारा केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी। उस जजमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि पेंशन फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को आज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हिमाचल और शिमला इटसेल्फ इसको मनाया जा रहा है, और उसी स्वरूप में, इसी कड़ी में हम इसको यहाँ मना रहे हैं। और ये डे हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ पेंशन बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी को इंटैक्ट करने के लिए हम लोग आज इस दिन को मना रहे हैं। दूसरा जो इससे लिंक्ड बात है, हिमाचल स्टेट में जैसे आपने देखा इस पर अभी इलेक्शन हुए, जो एनपीएस में लोग 2004 के बाद आए, उनका यही डिमांड थी कि हमारे को भी जैसे पुराने साथियों को पेंशन मिलती है उनको मिलनी चाहिए। और वो यूनिटी के साथ, क्योंकि उन्होंने वोट चेंज गवर्नमेंट के लिए किया और वो जीते, हम इसलिए हमारा हम एसोसिएशन ये भी मानती है कि जो एनपीएस के लोग हैं उनकी ओपीएस की जो डिमांड है बहुत जेन्युइन डिमांड है और उनको वो हक मिलना चाहिए, चाहे वो हिमाचल में जॉब कर रहे हैं चाहे ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।